अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कौरमे की। मटन कौरमा बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है गोश्त तकरीबन आधा किलो, उसके लिए 4 टेबलस्पून ऑयल। मसालों में मैंने लिया है तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और हरी इलायची। प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का, उसको तल कर गोल्डन ब्राउन करके उसको पीस लिया है। काजू मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, पीस लिया है उसको भी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और दही मैंने इसमें इस्तेमाल की है 170 ग्राम का डब्बी, और पानी 1 गिलास। और मसाले में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। चले जी, हम अपनी फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपने मसाले डाल देंगे। थोड़ा से मसालों को हम ज़रा सा उसका कलर चेंज होगा तो इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। उसको जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमारा गोश्त पानी छोड़ेगा, तो हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देख सकते हैं आप, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। इसको भी हम अच्छे तरीके से अब मसालों को भून लेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से भुने जाएं। चलिए जी, हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं। इस स्टेज पे हम अपने प्याज डाल देंगे, उसके साथ ही काजू का पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, तेल साइड पर आ गया है, इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद फिर दोबारा इसको अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। देख सकते हैं आपके, दही भी हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और पक सालन वैसे हमारी भुनाई हो चुकी है अच्छे से। इसको थोड़ा सा और हिलाकर 1 गिलास पानी डाल देंगे और इस कुकर को मैं 25 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, प्रेशर लगा दूंगी। देख सकते हैं आप, 25 मिनट के बाद हमारा पानी भी खुश्क हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे अपने डोंगे में। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप इसकी आखिरी शक्ल। तमीज़ भी मेरी तमीज़ की भी रेसिपी मौजूद है, जो तमीज़ की रेसिपी लेना चाहे। मज़ेदार सा स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली डाल दी है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।